ग्रीटिंग्स, वेलकम बैक। तो भाई पीएम मोदी की दरिया दिली देख पाकिस्तान सुन, चलो देखते हैं भाई। पाकिस्तान के लिए तो कोई दरिया दिली नहीं है तो देखते हैं मोदी जी की कहाँ पे दरिया दिली हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को इलेक्शन पे जीत जाने के लिए। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। उन्हें इंडिया से सीखना चाहिए ओवरऑल। उन्होंने जो है वो सबको, उनकी जो जीते हैं उस पार्टी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन है वहां पे सियासत में। लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन के रिजल्ट आए, नहीं हम नहीं मानते। तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है। खुदा के वास्ते आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना ना दे, जरा आप कहीं बाहर इस धरने को हम शिफ्ट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में धरने वाले शुरू हैं, मौलाना इस पर नहीं मान रहे हैं। बट स्टिल बीजेपी के लीडर, बीजेपी के रहनुमा पीएम मोदी की जानिब से एक ट्वीट की गई है जिसमें कांग्रेस को कंग्रेचुलेट किया गया है। इसी पर रिएक्ट किया है पाकिस्तान के एक सहाफी कामरान यूसुफ ने और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी अलग अलग पेजेस पर। अगर हम नेशनल लेवल की बात की जाए तो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता, और इस वक्त पाकिस्तान को पीएम मोदी से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है या हारती है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता नहीं थक रहा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अलग अलग राजनेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी को मिली हार के बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। प्राइम मिनिस्टर ने लगातार दो ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई दी है, वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने बीजेपी के सभी समर्थकों को धन्यवाद किया है, साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत की तारीफ की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहला ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई, वह लोगों के विश्वास पर खरे उतरे, इसके लिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता नहीं थक रहा और ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हार कर भी जीत गए, उन्होंने देशवासियों का दिल जीत लिया। काश हमारे पास भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा एक लीडर होता। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, उन्होंने जब उनकी पार्टी जो है वो कर्नाटका में इलेक्शन हारी तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी। मोदी जी हमेशा ही करते हैं, जब भी अगर हार भी जाए तो भी मुझे पता नहीं कि कांग्रेस ने थैंक्स बोला कि नहीं। लेकिन हम साथ साथ आपको ये भी कहते चले कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, और कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग यही सीख लीजिए कि किस तरह से अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं तो किस तरह से जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाता है, और उसके बाद जो पार्टी जीत गई है उसको मुबारकबाद दी जाती है। और उसके लिए मेन रीजन यही है कि यकीनन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अपनी जो यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अपना देश है, और वो उससे ज्यादा कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीती है या हारती है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो अपनी कंट्री को देते हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी अगर हार भी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने हंगामा नहीं कर दिया, उनके लोगों ने टायर नहीं जला, कांग्रेस हार गई तो उल्टा होता, तब देखना था क्या होता। हंगामा नहीं कर दिया, ये नहीं कर दिया ये तो धांधली हुई है, हम तो मानते ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कांग्रेस तो पहले कर देता इलेक्शन से पहले। उन लोगों को मुबारकबाद दी जो उनके मुकाबले में जीत गए थे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बहुत कुछ इंडिया से सीखने की जरूरत है। अब अगर इसके ऊपर आप मेरे खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा करते हैं या गद्दारी का फतवा जारी करते हैं तो कर दीजिए सानू की। बस आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली ही पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट किया गया था
नेता गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में सड़कों पर बहुत ज्यादा दंगे फसाद होते हुए दिखाई दिए गए। अब एक खबर सामने आ रही है पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से कि वहां पर भी इलेक्शन हो रहे हैं, और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सीट्स बीजेपी से ज्यादा है, बट स्टिल बीजेपी के लीडर बीजेपी के रहनुमा पीएम मोदी की जानिब से एक ट्वीट की गई है जिसमें कांग्रेस को कांग्रेचुलेट किया गया है। इसी पर रिएक्ट किया है पाकिस्तान के एक सहाफी कामरान यूसुफ ने, और अपनी ट्वीट में ये क्लियरली बताया है कि इंडिया की यूनिटी ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। उसके अलावा पाकिस्तान के एक एनालिस्ट है कमर चीमा, डॉक्टर कमर चीमा जिनका नाम है, उन्होंने कुछ नेगेटिव ट्वीट की थी अबाउट पीएम मोदी, उन्होंने जिसके जवाब में पाकिस्तानी सिटीजन है बहुत ही जाने माने यूएस में जिनका नाम है उजैर, उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है और ये भी बोला है कि लोकल लेवल की अगर बात की जाए तो वहां पर पीएम मोदी की सीट्स कम हो सकती है, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात की जाए तो पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को कोई भी बीट नहीं कर सकता, और इस पर पाकिस्तान को पीएम मोदी से सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज इसी बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी यहाँ पर पीएम मोदी को प्रेज किया जा रहा है, ना सिर्फ सहाफियों की जानिब से बल्कि आवाम भी उन्हें प्रेज कर रही है। इसको जरूर देखिए, एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा है, वहीं पर हम देख रहे हैं कर्नाटका में कांग्रेस की जीत हुई है और उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े आराम से इस शिकस्त को तस्लीम किया, हाथ जोड़ के जिस तरह वहां पे जोड़े जाते हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन पेश किया, उन्होंने जो है वो सबको उनकी जो जीते हैं उस पार्टी को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जमहूरियत, कितनी कन्फ्रंटेशन जमहूरियत वर्ड ना मुझे नेगेटिव फील होता है, बीजेपी जो दीगर पार्टी है, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर तो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन के रिजल्ट आए नहीं हम नहीं मानते, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा अब देखें जितनी मकबूलियत है, जितनी शोहरत है मोदी की, वो इजीली कह सकता है मैं तो नहीं मानता, ये तो गलत है, लेकिन तो उसके सपोर्टर्स उसको कहां उठा के बिठाएंगे, वो ऐसा नहीं कह रहा, उसके भी सपोर्टर्स थे, शायद इमरान खान के सपोर्टर्स की तरह उनको पता निकाला जाए कि तुम लोगों को हम बताते हैं ये तो गलत किया तुम लोगों ने, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है भाई, वो तो है ही। अब इनको समझ नहीं आता कि भाई इंडिया में इतना प्यार मोदी जी को मिलता क्यों है, क्योंकि ही इज़ अ रोल मॉडल। याद है जब हमने ये इमरान खान की वो वीडियो देखी थी जिसमें ये गाली दे रहा था, तो मैंने कहा था किस टाइप के इनके लीडर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो होना चाहिए जो बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हो, बच्चे जब उनको देखे तो कहें कि भैया ऐसे बनना चाहिए, जो सबके लिए रोल मॉडल, हाँ सबके लिए, जो पीएम आके गालियां दे रहा है पब्लिक स्पीच में, हाँ तो इस तरह से मतलब अपनी ही कंट्री की इंसल्ट कर रहा है, हाँ, उनका हमारे देखो भाई मोदी जी जैसे ही मतलब, और ये पहली बार ही नहीं किया मोदी जी ने, जब भी कभी भी वोट होता है और अगर कोई ऑपोजिशन में कोई जीतता है तो उन्होंने हमेशा मुबारकबाद उनको दी है, और इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, कहा था मोदी जी ने तो दी है पर क्या कांग्रेस ने उसका उनका उनको आंसर दे के थैंक यू या कुछ बोला कि जवाब दिया ही नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से कांग्रेस नहीं वैसा दिखाती। अगर आप देखो मोदी जी की साइड से हमेशा रिस्पॉन्सिबल आंसर्स आते हैं, पर ये जो कांग्रेस है ये कभी नहीं रिस्पॉन्सिबली एक्ट करती। उन्होंने तो इलेक्शन कर्नाटका इलेक्शन से पहले ही बोल दिया था जी मशीन ने पता नहीं कहां से वो आई है और पता नहीं क्या क्या, वो पहले से बेस क्रिएट कर रहे थे कि हम हार जाए तो हमारे पास पहले से ही एक रीजन हो जो अब हम बोले यूएस वाला पैंतरा यूज कर रहे हैं, जबकि यूएस में हार गए थे वो लोग, वही ना जबरदस्त लॉस हुआ वही, तो अब इनसे पूछना चाहिए कांग्रेस से, अब तुम जीतो तुम्हारी वो तो मशीनें तो खराब थी, तो अब तुम बोलो मशीनें खराब थी ये तो करेक्ट रिजल्ट है ही नहीं, अब वो कोई बात ही नहीं करेगा, तो वही है। पर अच्छी बात है कि इनको ये रियलाइज तो हो रहा है कि लीडर होता कैसा है, और तुम्हारे देख लो किस टाइप के लीडर, ठीक है देखिए इससे बीजेपी सीखेगा कि क्या प्रॉब्लम थी जिससे अगली बार जीत सके और दूसरे स्टेट्स में ऐसा रिपीट ना हो। बिल्कुल, और अभी ये कांग्रेस को चांस मिला है, देखते कांग्रेस क्या करती है, अभी तक तो बड़ी नेगेटिव न्यूज आ रही है वहां से कि जो कर्नाटका की सिचुएशन अभी इलेक्शन के बाद इमीडिएटली जो चीजें हो रही है वो सुन के तो बड़ा शॉक लग रहा है कि ये चल क्या रहा है कांग्रेस के आते ही, तो टाइम ही बताएगा भाई कि वहां के लोगों ने करेक्ट डिसीजन लिया है कि नहीं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।